अच्छा परिमल जी, अभी हमने तो बात करी डेवलपमेंट मनी की, हमने बात करी मेंटेनेंस चार्जेस की, मगर मुझे जानना है कि ये लोग शेयर सर्टिफिकेट पे जो मेरे पिताजी के सवाल थे उसका कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि शेयर सर्टिफिकेट तो सब बिल्डिंग वालों को चाहिए, अब वो इसमें भी हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, मुझे समझ नहीं पड़ रहा, तो कहीं ना कहीं मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ परिमल जी, तो आप मुझे बताइए कि अगर इन लोगों को डेवलपमेंट फंड देना है अपनी मर्जी से, मेजोरिटी से, मेंटेनेंस का चार्जेस बढ़ाना है अपनी मर्जी से विदाउट पासिंग अ रेजोल्यूशन, मगर इन लोगों को क्या शेयर सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है मेजॉरिटी वालों को? शेयर सर्टिफिकेट तो कंपलसरी है, वो हाउसिंग सोसाइटी हो या सर्विस सोसाइटी हो, शेयर सर्टिफिकेट इज अ मेन एविडेंस ऑफ मेंबरशिप। तो वही तो मैं कह रही, तो शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर भी किसी ने भी हमारे पिताजी को सपोर्ट नहीं किया, और शेयर सर्टिफिकेट की जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई जवाब नहीं दे रहा, तो ऐसा क्यों है? शेयर सर्टिफिकेट लेकर ही तो ये कमेटी बनी है, तो मतलब ये कमेटी इलीगली बनी है, क्यों इसके ऊपर कोई जवाब सवाल नहीं हो रहा? अभी देखिए, शेयर सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए, हाँ, तो अगर आप सोसाइटी को अप्लाई करते हैं और सोसाइटी आपको दे देती है तो बात ठीक है, अगर सोसाइटी शेयर सर्टिफिकेट आपको इश्यू नहीं कर रही है तो आप उसके लिए नॉमिनी कोर्ट में केस कर सकते हैं सोसाइटी के अगेंस्ट में। तो फिर हम पहले एक एप्लीकेशन बनाएंगे, जो एप्लीकेशन हम सोसाइटी को देंगे और सोसाइटी को पूछेंगे कि आप हमारे शेयर सर्टिफिकेट कब हमको दे रहे हैं, क्योंकि आपने अभी तक हमको सोसाइटी का मेंबर भी नहीं बनाया, क्योंकि हम अभी ये सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम पहले अभी सोसाइटी को फिर एक कागज लिखते हैं, जैसे आपने बोला कि भैया हमको हमारे शेयर सर्टिफिकेट दो, हमको मेंबर बनाओ, क्योंकि हमने तो देखो आपको पैसा दे दिया जब आपने मांगा, हमने तो जाना भी नहीं कि रेजोल्यूशन क्या है, प्रोसीडिंग क्या है, और आपने हमको व्हाट्सएप पे इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, मगर अब हम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हमारे शेयर सर्टिफिकेट का क्या सिचुएशन है, वो हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो आप इसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए, है ना? और अगर उसके बाद भी सोसाइटी आपको शेयर सर्टिफिकेट नहीं देती है तो आप सोसाइटी के अगेंस्ट में बोर्ड ऑफ नॉमिनीज कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज देखिए मुझे ये कोर्ट केसेस ये सब पसंद नहीं है, इन लोगों को लग रहा है कि मैं अपने करियर को उभारने के लिए ये सब कर रही हूँ, इनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मेरे जो माता पिता हैं जो इस घर में रहते हैं शांति से रहे, सुख से रहे, और मैं जब भी आऊँ मेरे को जो राइट्स हैं वो राइट्स मिले जो बाकी भारतीय नागरिक को मिलते हैं, ना मुझे इनकी कोई प्रॉपर्टी को ऊपर लेके जाना है, ना इनको ये प्रॉपर्टी को ऊपर लेके जाना है, आप समझ रहे हैं? तो मगर इनको जो सही मुद्दे हैं उनके ऊपर जवाब नहीं देना तो मुझे अभी समझ नहीं पड़ता, क्योंकि अभी शेयर सर्टिफिकेट की डिमांड तो हमने डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार की सबमिशन में नहीं डाली ना, तो वो हमें अभी पहले सोसाइटी को लिखनी चाहिए, उसके बाद अगर वो जवाब नहीं देते तब हमको बोर्ड ऑफ नॉमिनीज कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, और ये हम मेंटेनेंस का भी कागज लिखेंगे, ठीक है, सोसाइटी को। और आपने उस मुद्दे के ऊपर देखा कि कैसे वो 15 तारीख के बाद अगर हम पेमेंट नहीं करें तो हर दिन 100 रुपया बढ़ेगा, ये तो किस तरह का तरीका है, आप मुझे बताइए। कोई भी सोसाइटी, आप भी सोसाइटी में रहते हैं, अगर आप लेट हो जाएंगे तो थोड़ा हर दिन का 100 रुपया बढ़ता है। देखिए ये थोड़ा मेरे हिसाब से ज्यादा है, हाँ, लेकिन अगर इसके लिए भी मैंने अभी बोला कि जो भी रेजोल्यूशन पास करना है वो सोसाइटी कैन डू इट, ओके, बट इन मेजोरिटी, ओके, मेजोरिटी में सोसाइटी जो भी रेजोल्यूशन पास करती है वो हर मेंबर को बाइंडिंग है। अच्छा, मगर अगर को जो रेजोल्यूशन मेजोरिटी में पास होता है, क्योंकि मैंने मेजोरिटी का तो इनका प्रदर्शन देख लिया है, ये काफी मेजोरिटी में है और इनका मेजोरिटी दिखता है, तो मेजोरिटी में अगर वो मुझे बोलेंगे कि भैया हम तुमको इतने पैसे देने हैं, तुम यहाँ पे सांस नहीं ले सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तो मैं एज अ भारतीय नागरिक चैलेंज कर सकती हूँ? यू कैन चैलेंज, आई कैन चैलेंज, नो, यस यस, क्योंकि रेजोल्यूशन में ये कुछ भी कर सकते हैं, तो अगर मुझे चीज नहीं पसंद तो मैं उसको चैलेंज कर सकती हूँ। एनी मेंबर एग्री हुड, हाँ, एनी रेजोल्यूशन पास बाय द सोसाइटी, एनी मेंबर कैन चैलेंज, एनी मेंबर कैन चैलेंज, क्योंकि मेजोरिटी तो अपने अनुसार रूल्स बना रही है, तो मेजोरिटी के साथ तो मैं लड़ नहीं सकती ना, मगर अगर मेजोरिटी के जो रूल्स है, रेजोल्यूशंस है, मेरे को नहीं जम रहे तो मेरे को नहीं जम रहे, यू कैन चैलेंज इट, आई कैन चैलेंज इट। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर कोई किसी के साथ झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहता, सब शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं। मेरी एक छवि है मुद्दों के ऊपर बात करने की, छवि है इश्यूज के ऊपर अपनी राय रखने की, और वो राय रखना का जो मेरा हक है वो मेरे को भारत के संविधान ने दिया है, मैं वो हक कहीं भी रख सकती हूँ, अपने घर के अंदर, लिफ्ट के पास, गेट की तरफ चलते हुए, क्योंकि हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, सबके हाथ में कैमरा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब उसका उपयोग करते हैं कोरोना में इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए। जैसे हम सबको पता चला कि कोरोना काल में आप व्हाट्सएप द्वारा भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि भैया AGM इस तारीख को इस समय होने वाली है,
तो उसी तरह से कोरोना काल हो या नई पीढ़ी का जमाना हो, हम ऑब्वियसली सोशल मीडिया से अलग नहीं रह सकते क्योंकि सोशल मीडिया हमारा एक जीवन का हिस्सा बन गया है। मगर कानून ऐसे बनाना जहां पर मुझ जैसा पब्लिक इंसान सफर करे और फील करे कि भैया मैं अपने घर से बाहर निकल ही नहीं सकती, घर से बाहर निकलकर अगर कुछ रिकॉर्ड करूं तो वो एक गैर कानूनी एक्टिविटी हो गई, तो वो मुझे पसंद नहीं है। और इसलिए मैं बायलॉज को समझने का प्रयास कर रही हूं। मुझे नहीं पता कि मैं मेरे जो एफर्ट्स में कितना कहते हैं दुश्मन बनाऊंगी और कितने दोस्त बनाऊंगी, बट मुझे ये पता है कि मेरे एफर्ट्स में अगर मैं गलत भी हो जाऊंगी तो अपने आप को सुधार लूंगी, अगर मेरे से गलती होगी तो उसे भी मान लूंगी क्योंकि गलती मानने से आदमी छोटा नहीं होता। मगर अगर कोई मेरे साथ गलत तरीके से जाती करेगा तो मैं अपनी आवाज उठाऊंगी, क्योंकि देखिए मेरी जिंदगी है, आप मेरी जिंदगी कैसे घोट सकते हैं अपने मेजोरिटी के आड़ में, ये मैं कहना चाहती हूं। आई थिंक परिमल जी आप मेरी इस बात से एग्री करेंगे कि मैं जायज तरीके से जीना चाहती हूं, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, मगर मेरा गला घोट के मुझे इस घर में कैदी बनाना आई थिंक ये भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू परिमल जी, आपने हमको गाइड किया। आई होप कि आप और हमारा रिश्ता बना रहे, ये नहीं चाहती लंबा चले क्योंकि मैं नहीं चाहती कोर्ट कचहरी का केस लंबा हो, मगर मुझे नहीं पता शायद ये शेयर सर्टिफिकेट के लिए भी मुझे हमें बोर्ड ऑफ नॉमिनीज कोर्ट जाना पड़े अगर हमें जवाब नहीं दिलता, क्योंकि जवाब नहीं देना ये इनका एक तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन हो चुका है जो मुझे लगता है गलत है। ये कह के मैं आप सबसे विनती लेना चाहूंगी, धन्यवाद आप सब ने कोशिश करी मेरे प्रयास को समझने की कि मैं क्यों बायलॉज के ऊपर इन्फॉर्मेशन ले रही हूँ। मुझे ऑब्वियसली अपनी सोसाइटी में किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी, मगर मुझे लगता है मेरी नसीब में कॉन्ट्रोवर्सीज अपने आप आ जाते हैं एंड दिस इज माई व्हाट यू कॉल डेस्टिनी, बट कोशिश करूंगी कि इस बार कॉन्ट्रोवर्सी को लीगली हैंडल करूँ। नमस्ते, जय हिंद।